नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका सामना कभी ना कभी हमसे हुआ होगा, और यह बीमारी सब बीमारियों के आगे आगे या पीछे पीछे चली आती है। आज हम बात करने वाले हैं चक्कर, यह हमें क्यों हो जाते हैं, इसका कारण क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चक्कर एक ऐसी बीमारी होती है जो टेम्पररी फिजिकल चेंजेस से लेके कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन में भी हो सकता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि पेशेंट को अपना आसपास का पूरा एनवायरनमेंट घूमता हुआ महसूस होता है। यहाँ पर अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम ये होता है कि पेशेंट अपने आप को घूमता हुआ महसूस करता है और उसको अपने आसपास का एनवायरनमेंट या आसपास का वातावरण भी घूमता हुआ महसूस होता है। नंबर टू, पेशेंट में अनस्टेडीनेस की एक प्रॉब्लम होती है, वो सीधे वॉक नहीं कर पाता है, स्ट्रेट लाइन में वॉक नहीं कर पाता है। नंबर तीन ये होता है कि पेशेंट को चक्कर आने के साथ साथ आँखों के आगे अंधेरा महसूस होने लगता है और कभी कभी वह गिर भी जाता है। नंबर चार, इसमें यह देखा गया है कि पेशेंट को चक्कर के साथ साथ और भी सिम्टम्स देखे गए हैं, जैसे कि साथ में पेशेंट को हेडेक बना रहता है, उसको नोशिया वोमिटिंग मतलब उसको उल्टी जैसा लगता है, और नंबर तीन उसको टिनिटस या कान में कुछ रिंगिंग, कुछ आवाज़ उसको सुनाई देती है। तो यदि इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो ये चक्कर होने की निशानी हो। यहाँ पर अब हम इसके कारणों की चर्चा करेंगे। इसमें नंबर वन पे ये होता है कि पेशेंट को हेडेक या माइग्रेन के साथ चक्कर की समस्या हो जाती है। नंबर टू ये होता है कि जब पेशेंट का बीपी लो हो जाता है डिहाइड्रेशन के कारण, या फिर किसी शॉक की कंडीशन में, या ब्लड लॉस के कारण एकदम सडन यदि उसका बीपी लो हो जाता है तो भी उसके साथ में चक्कर शुरू हो जाते हैं। नंबर तीन रीज़न ये देखा गया है कि जब पेशेंट के शुगर का लेवल कम हो जाता है, मतलब ब्लड शुगर लेवल यदि कम हो जाता है, या तो उसने खाना स्किप कर दिया है या वो डायबिटीज़ है इसके कारण, तो भी पेशेंट को चक्कर आने की समस्या हो जाती है। इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि पेशेंट को यदि टिनिटस या मीनिया डिजीज़ की प्रॉब्लम है तो भी उसको चक्कर आने लगते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस में भी पेशेंट को चक्कर आते हैं। यदि पेशेंट को गैस बनने की शिकायत है और पेट में गैस भरी रहती है तो उसके कारण भी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। जब पेशेंट के ब्लड में आयरन का लेवल कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो भी पेशेंट को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ में पेशेंट का शरीर थोड़ा पीला हो जाता है और उसको सांस फूलने लगती है और उसको कमजोरी और थकान महसूस होती है। एक चीज़ और है कि पेशेंट को मोशन सिकनेस के केस में, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो मोशन सिकनेस के साथ भी पेशेंट को चक्कर आने की समस्या होती है। जब पेशेंट किसी चीज़ का स्ट्रेस ले लेता है या उसको एंग्जाइटी हो जाती है, उसके कारण पेशेंट में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसके कारण उसका असर हमारी रेस्पिरेटरी पे और कार्डियक सिस्टम पे पड़ता है। उससे क्या होता है, पेशेंट ना बहुत हैवीली ब्रीथ करने लगता है, उसकी सांस भरने लगती है, उसको पसीने पसीने आने लगते हैं, तो इस टाइम भी पेशेंट को चक्कर आने की शिकायत हो जाती है। इसमें एक चीज़ और है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है कि यदि किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं और उसकी किसी आर्टरी में प्लॉक हो गया है, कोई थक्का जम गया है, उसके कारण भी पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, लेकिन उसमें एसोसिएटेड सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पेशेंट को उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मिल सकती है, उसको एंग्जाइटी मिल सकती है, उसको टाइटनेस ऑफ चेस्ट मिल सकती है, उसको छाती में दर्द मिलेगा और वो दर्द शोल्डर तक जाएगा। यदि इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो वो चक्कर एसोसिएटेड हो सकता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के, और इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। यहाँ पर अब मैं इसके घरेलू उपाय के बारे में बात करूँगी। दोस्तों, जब भी किसी को चक्कर आते हैं, सबसे पहले उसको खुले वेंटिलेटेड रूम में रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि चक्कर आने से वह गिर भी सकता है। नंबर टू, प्राइमरी लेवल पे हमको ये पता करना चाहिए कि चक्कर क्यों आ रहे हैं, उससे ट्रीटमेंट करने में ईजी हो जाएगा। यदि पेशेंट को लो बीपी के कारण चक्कर आ रहे हैं तो आप इमीजिएटली उसको नमक पानी दे सकते हैं, जिससे पेशेंट को आराम मिलेगा। यदि आपको लगता है कि पेशेंट को लो शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल के कारण चक्कर आ रहे हैं, तो आप कैंडी या शुगर या कोई स्वीट आइटम देने से उसको आराम मिलेगा। यदि आपको लगता है पेशेंट को कोई एकदम से उसने एंग्जाइटी के कारण या स्ट्रेस के कारण चक्कर आ रहे हैं, तो डीप ब्रीदिंग करनी है, माइंड को रिलैक्स करना है,
उससे पेशेंट को बहुत हेल्प मिलेगी दोस्त। यहाँ पर अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसमें नंबर वन मेडिसिन है ब्राइनिया एल्बा। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को ऐसा फील होता है कि जब वो बिस्तर से या चेयर से उठ के बैठता है या खड़ा होता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं, और पेशेंट को चक्कर आने के साथ साथ हेडेक भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें एक और एसोसिएटेड फीचर ये भी देखा गया है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और पेशेंट को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। इसमें नंबर टू पर मेडिसिन है नेट्रामुल। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को लो बीपी के कारण चक्कर आने लगते हैं या पेशेंट बहुत नर्वस फील करता है, डिस्करेज फील करता है। मेनली यह कंप्लेंट स्कूल गर्ल्स को मिलती है या यंग फीमेल को मिलती है, और पेशेंट बहुत ही थका हुआ और डेबिलिटेड फील करता है, कमज़ोर होता है। साथ में पेशेंट को हेडेक भी बना रहता है, उसको लगता है कोई उसके सर में हैमर से मार रहा है, और पेशेंट को सनलाइट से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तीसरी मेडिसिन है कोनियम। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो बिस्तर पर यदि लेटा भी हुआ है तो भी उसको चक्कर आते हैं, वो जरा सी करवट बदलेगा या साइड वाइज होगा तो भी उसको चक्कर आने लगते हैं, और साथ में उसको नोशिया वोमिटिंग भी फील होता है और उसको हेडेक भी बना रहता है। और यदि बगल के कमरे में या उसके कमरे में यदि नॉइज़ हो रहा है, जरा सी आवाज़ भी उससे सहन नहीं होती है। अब इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है जलसीमियम। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसको 3D मींस डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस, ये तीन सिम्टम्स बहुत मार्क दिखते हैं। मतलब पेशेंट बहुत डल फील करता है, उसको चक्कर आते हैं और उसका पूरा टाइम नींद जैसी, सुस्ती जैसी फील होती रहती है, तब इस मेडिसिन का अच्छा रोल है। इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि पेशेंट को ना हेडेक ऑक्सीपिटल से शुरू होता है, उसको ऐसा फील होता है कि वो आईब्रो पे आके सेटल हो रहा है, पेशेंट का विजन भी बहुत धुंधला हो जाता है और वो चक्कर खाकर गिर भी सकता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके चक्कर या वर्टिगो की प्रॉब्लम को समझने में हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल। थैंक यू।